हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी, के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपके आइडेंटिटी कार्ड के बारे में। रेलवे का जो है आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनता है, ये किस किस काम में आता है और इसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है, इसके बारे में अपन कंप्लीट बताएंगे आपको इसमें इस वीडियो में। काफी सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर, रेलवे का जो है आइडेंटिटी कार्ड कब बनेगा, हमारी ज्वाइनिंग होते ही बन जाएगा या फिर जो है पोस्टिंग के बाद बनेगा। तो इस बारे में अपन जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो है आइडेंटिटी कार्ड, आप अगर रेलवे एम्प्लॉय हो तो आपको ये आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा और इसके लिए जो है आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई आप कब करोगे? जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और आपकी इंडिपेंडेंटली आप काम करने लग जाओगे। कहने का मतलब, आपकी किसी स्टेशन पर पोस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद में आपका वहाँ पे आपके एम्प्लॉय आईडी जो है वो जनरेट होगी। प्लान नंबर वगैरह सारे कुछ वहाँ पे आपके जनरेट होंगे। एम्प्लॉय आईडी आपकी बनने के बाद में ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपकी एम्प्लॉय आईडी होती है, सारी कुछ डिटेल इस पे लिखी होती है। तो एम्प्लॉय आईडी के बिना आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनेगा। तो इसको बनवाने के दो तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन में सिंपल सी इसकी एक साइट है, वहाँ जाके उसमें जो जो डिटेल्स वो मांगते हैं और बहुत ईजी वे में वो बन जाता है। मैंने भी ऑनलाइन वाला और ऑफलाइन वाला दोनों ही बनवाए थे, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब अपन ऑफलाइन अप्लाई कर देते हैं और डिवीजन के अंदर जो है इधर उधर हो जाता है फॉर्म कई बार, तो आपका ऑफलाइन बन के आने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। जबकि ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आपका फोटो वगैरह सारा कुछ आप अपलोड कर दोगे, उसमें सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर दोगे और कुछ दिनों बाद में आपका जो है वो आइडेंटिटी कार्ड बन के आ जाता है। और आप उसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, यानी ऑनलाइन आप उसको निकलवा के कार्ड के रूप में बनवा सकते हो। या फिर जो है ये आइडेंटिटी कार्ड जो आप देख रहे हो, ये मेरा ऑनलाइन ही आया था, मतलब ऑनलाइन ही मैंने बनवाया था। डिवीजन पे आएगा और वहाँ से फिर अपन इसको कलेक्ट कर लेंगे या फिर जो आपके स्टेशन पे इसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये हो गई ऑनलाइन की प्रक्रिया। और ऑफलाइन में भी सेम, आपको एक फॉर्म आता है इसका, वहाँ पे फोटो वगैरह सारा कुछ सिग्नेचर करके भरना होता है उसको और आपको DRO के भेजना होता है, वहाँ से वो बन के आ जाता है। उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है थोड़ा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ऑनलाइन ही अप्लाई कीजिए। इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उस पर अपन अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। साथ ही अपन इस आइडेंटिटी कार्ड के जो है क्या क्या यूज होते हैं, कहाँ कहाँ अपने कोई काम आता है, उसके ऊपर भी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इसका अपने को काम कहाँ पड़ता है। तो जैसे आप अगर, जैसे मैं अभी डाल के बैठा हूँ गले में, ऐसे कैसे अगर आप गाड़ी में जर्नी कर रहे हो किसी ट्रेन में और ऐसे आप बैठे हो और TT जो है इस रिबन को, यानी इस आइडेंटिटी कार्ड को देख के आपसे जो कुछ भी नहीं पूछेगा कि आपके पास में टिकट है नहीं है या और किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि इस आइडेंटिटी कार्ड को देखते ही TT समझ जाएगा कि आप जो है रेलवे कर्मचारी है, तो आपसे जो है कोई वो सवाल जवाब नहीं करेगा। दूसरी बात, अभी कोविड के टाइम जो है आपको सभी को पता ही है, धारा 144 लगी हुई थी, तो आप कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उस केस में ये आइडेंटिटी कार्ड बहुत काम आए थे। क्योंकि अगर आपको जैसे कोई बहुत नेसेसरी काम हो गया और आप बाहर जाना चाह रहे हो, तो आप जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड गले में डालिए और बाहर जाइए। अगर कोई पुलिस वगैरह पूछते हैं, तो रेलवे, आप सभी को पता ही है, रेलवे बंद नहीं हुआ था, रेलवे कोविड के टाइम भी वहाँ पे चल रहा था, तो कोई भी पूछे तो आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें जो है चालू थी उस टाइम भी, तो इस वहाँ भी बहुत काम आया था। इसके अलावा ये आपकी एक पहचान होती है आपकी, इसके बिना आपकी जो यूनिफॉर्म है, आपका ड्रेस कोड जो है, इसके बिना अधूरा है। ये रहेगा ड्रेस कोड, इसी से के साथ में कंप्लीट होता है। ये आपकी पहचान है और इससे जो है आपको गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता है। ये रेलवे एम्प्लॉयज जो होते हैं, रेलवे के अंदर जो लगता है, उन्हीं को रेलवे अपना आइडेंटिटी कार्ड देता है। इसके बाद दोस्तों, ये जो है रिबन है, ये रिबन भी यहाँ पे रेलवे ने ही प्रोवाइड करवाया था। ये सारा ऐसा कैसा पूरा सेटअप रेलवे की तरफ से ही बन के आया था। कुछ लोग जो है इस रिबन को अलग चेंज करवा लेते हैं, जैसे कि अपन इस कार्ड को यहाँ से अलग भी कर सकते हैं और ये जो रिबन हो गया, इसको अपन चेंज भी करवा सकते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में या कई सारे अलग अलग जगह पे, चंदौसी वगैरह में या उदयपुर में, आपको ये रिबन अलग मिल जाएगा, जहाँ पे इसका कलर अलग होगा, उस पर NWR लिखा रहेगा, इंडियन रेलवे लिखा रहेगा। तो अलग अलग कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग फ्रेम बनवा लेते हैं लोग, और कहीं जो है इसको फिट भी करवा लेते हैं, जैसे पूरा फ्रेम में ही फिट करवा लेंगे, ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। बाकी रेलवे जो है इसी टाइप का आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या डिटेल आपकी फिलअप रहती है, उसको भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे वन बाय वन, कि इसमें क्या क्या आपसे जो डिटेल रहती है आपकी। दोस्तों स्क्रीन पे जो है आपको मेरा आइडेंटिटी कार्ड दिख रहा होगा। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि मैं जो है NWR से भर्ती हुआ था, इसलिए यहाँ पे NWR लिखा रहेगा। आप जिस भी जोन से हैं, जैसे कि आप NR से हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ रेलवे लिखा रहेगा।
तो आपकी अलग अलग रेलवे के हिसाब से आपका RRB RRC जो भी है वो लिखा रहेगा। इसके बाद में इसके नीचे जो है, मैं बीकानेर डिवीजन में अपॉइंटमेंट हुआ था तो बीकानेर डिवीजन लिखा हुआ है, आपका जो भी डिवीजन रहेगा उसका नाम यहाँ पे रहेगा। ये आइडेंटिटी कार्ड जो है मैं जब बीकानेर डिवीजन में था तभी बनवाया था, अभी वर्तमान में मैं जयपुर डिवीजन में मेरा ट्रांसफर हो गया है स्पॉज बेस पे, तो अब जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड नया बन के आएगा वो जयपुर डिवीजन उसमें लिखा रहेगा। इसके बाद में आपके लिखा रहेगा कार्ड का नंबर, सबसे ऊपर कार्ड का नंबर हो गया 12444। इसके बाद में जैसे कि मेरे बाद किसी ने अप्लाई किया होगा तो उसका 12445 हो जाएगा, उसके बाद में किसी ने किया तो 12446 हो जाएगा। उसके नीचे दोस्तों नाम रहेगा आपका डॉक्यूमेंटली, जो भी नाम है फुल नेम रहेगा, जैसे कि कानाराम सैनी है तो कानाराम सैनी मेरा यहाँ पे फुल नेम हो गया। इसके बाद में फादर्स नेम हो गया, फादर्स नेम में महावीर सैनी हो गए मेरे फादर, तो उनका नेम हो गया। इसके बाद में डिजिग्नेशन हो गया, यानी मैं स्टेशन मास्टर हूँ तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर हो गया। आप जो भी पद पे हैं, चाहे पॉइंट्समैन है, आप SSC है, SS है, जिस भी पोस्ट पे वो पोस्ट आपके यहाँ पे लिखी रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपका डिपार्टमेंट रहेगा, आप किस डिपार्टमेंट से आते हैं, यानी कि हम ऑपरेटिंग से आते हैं स्टेशन मास्टर, तो ऑपरेटिंग लिखा हुआ है। कोई CNWC स्टाफ रहेगा, कोई इलेक्ट्रिक स्टाफ रहेगा, कोई कैरेज स्टाफ रहेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग के पोस्ट यहाँ पे होती है। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, आप इंजीनियरिंग में हो तो इंजीनियरिंग लिखा रहेगा, और आप कैरिज एंड वैगन स्टाफ में हो तो आप उसका लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा, स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग में आते हैं इसलिए ऑपरेटिंग लिखा हुआ है। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और इसके बाद में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो गई, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी जो भी रहेगी वो लिखी रहेगी। इसके बाद में PF नंबर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि PF नंबर आने के बाद ही आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो PF नंबर मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, PF नंबर रहेंगे। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, और दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्रुप भी रहता है जैसे कि B+ है, अगर किसी का वो जो भी ब्लड ग्रुप रहेगा वो रहेगा, और ये कंपलसरी नहीं है किसी का लिखो न मत लिखो, आप अप्लाई करते टाइम अगर आपने लिख दिया उसमें B+ तो B+ लिखा आ जाएगा। ये RUID संख्या मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, और यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, आपके घर का जो परमानेंट एड्रेस है वो रहेगा, आपके सिग्नेचर रहेंगे, और यहाँ पे जो भी ऑथराइज रहेगा अधिकारी उनके सिग्नेचर रहेंगे। तो यही सारी कुछ डिटेल इसमें रहती है आइडेंटिटी कार्ड में। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।